سبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي العبده التهامي الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الباقية العبدية على آدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابك العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل على محمد وآل محمد
इसके पहले कि कोई मारूजा आप अज्जा और अहबाब की खिदमत आलिया में अर्ज करूं, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मक़बूल अली कौसर मिर्ज़ा इब्ने अकबर मिर्ज़ा और आपके जो भी मुतालिकीन हैं, अरहाम हैं, अज़्ज़का और दीगर अहबाब, उनकी अरबा को सारे सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद यकीनन अफाजिल की मौजूदगी, बुजुर्गान असातीद और तुल्लाब इज्जा, आपका वजूद यकीनन संगीन ये जबान बयान का सबब है, जबान की सकालत का सबब है, लेकिन ये मेरे लिए शरफ भी है कि आप बुजुर्गान की खिदमत में और आप के महजर में बैठकर दो चार पराकंदा बिखरे हुए कलिमात और अल्फाज एक फातिहे की मजलिस में समेटने की कोशिश करूंगा और कुछ आपकी खिदमत तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किसी भी तरीके की कोई लग्जिश और किसी भी तरीके की कोई बात अगर दौरान कलाम सादिर हो तो उसे अफ़ो दरगुज़र का मकाम अता फरमाइए और इंशाल्लाह इस्लाह खातिर का भी मौका तक कीजिए। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थका देने वाली ये जिंदगी जो इंसान के लिए ताबो मशक्कत का सबब है, उसके चैन व सुकून को उससे सलब कर लेती है और हमेशा उसे इस्तेराब की मंजिलों में रखती है। ये सुबह, ये शाम और ये ढलते हुए दिन और ये गुजरते हुए अय्याम कि जिनसे इंसान रोज बरोज रंग बिरंगे दिनों का सामना करके एक मंजिल से दूसरी मंजिल में वारिद होता है, यकीनन इन मंजिलों से बहुत कुछ इंसान को इबरत, बहुत कुछ नसीहत और बहुत सी ऐसी चीजों का सामना भी करना पड़ता है जो हर रोज इंसान को एक नई शक्ल सूरत में पेश आती है और वो उसे सिखाने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है और वो उसे हकायक से करीब करती चली जाती है कि इंसान की जिंदगी क्या है और इंसान की जिंदगी की हकीकत क्या है और इंसान की जिंदगी की असलियत क्या है। इंसान जो इस दुनिया में ताबो मशक्कत के साथ अपनी आंखें खोलता है कि इंसान को तकलीफ में खल्क किया गया, तकलीफ के साथ खल्क किया गया और ताबो मशक्कत के साथ खल्क किया गया और इसी तकलीफ और इसी ताबो मशक्कत में इंसान को बाकी रखा गया, यहां तक कि ये ताब, ये मशक्कत, ये जहमतें, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये जमाने के बोझ, इंसान अपनी पुश्त पर इनके बार को तहम्मुल नहीं कर पाता और जमाने के मरूर के साथ साथ, जमाने के गुजरने के साथ साथ इंसान एक वादी से दूसरे वादी में मुंतकिल हो जाता है। ऐजाने गिरामी इरशादे खुदा बंदे आलम के मुताबिक कि बाबरकत है, पाको पाकीजा है वो जात कि जिसने इंसान को खल्क फरमाया, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जो तमाम कायनात का, तमाम सल्तनतों का, तमाम हुकूमतों का बादशाह है, सुल्तान है, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, जिसने इंसान के लिए पहले मौत को खल्क किया और उसके बाद में जिंदगी को खल्क फरमाया है। अच्छा, ये मौत को खल्क करना और जिंदगी को खल्क करना किस मकसद के लिए है? ले अब लोअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए, ताकि वो तुम्हारा इख्तबार करे, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे, ताकि वो तुम्हें इम्तिहान में डाले और वो ये देखे कि हमने तो तुम्हें खल्क किया है, तुम हमारी खिलकत में किस तरीके से हमारे सामने आते हो। ये तुम्हारा इख्तबार, तुम्हारी आजमाइश जिसमें हम तुम्हें डालेंगे, जिसमें हम तुम्हें वारिद करेंगे, इसका नतीजा क्या होता है? तुम कैसे आमाल लेकर के हमारी बारगाह में आते हो, कैसे अंजाम के साथ तुम हमारी बारगाह में पहुंचते हो?
ليبلوكم ايكم احسن عملا ताकि इंसान सलाम अलैकुम एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ताकि इंसान बेहतरीन अमल करे ताकि इंसान अच्छे अमल अंजाम दे। परवरदिगार आलम ने एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला ताकि हम ये देखें कि तुम्हारे दरमियान बेहतरीन अमल करने वाले कौन लोग हैं। ऐसाने गिरामी अगर आप देखें तो ये बात ज्यादा तफसील और तफसील से बयान करने की जरूरत नहीं है कि कुरान की अपनी एक फसाहत है, कुरान की अपनी एक बलागत है। कुरान ने क्या फरमाया कि हमने पहले मौत को खल्क किया है, जिंदगी को बाद में पैदा किया। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जो इंसान आंखें खोलता है चंद रोजा जिंदगियां गुजारने के बाद एक दूसरी वादी में मुंतकिल हो जाता है, तो इसे ये पता चलता है कि दुनिया की ये चंद रोजा जिंदगी ये इंसान की हकीकी जिंदगी नहीं है, ये इंसान की असली जिंदगी नहीं है, ये इंसान की सच्ची जिंदगी नहीं है। बल्कि इंसान की असली जिंदगी वो है कि जब इंसान मर के इस वादी से एक दूसरी वादी में मुंतकिल हो जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कुरान ने ये नहीं कहा लज़ी खलक़ल हयात वल मौत कि मैंने पहले तुम्हें जिंदगियां दी उसके बाद में फिर तुम्हें मौत दिया। इससे ताबीर ये होता कि जब उसने पहले जिंदगियां दी तो फिर सारी जिंदगियां, सारी जिंदगियों के मकासिद, जो भी कुछ हमें करना है वो हम यहीं इसी दुनिया में कर ले। जैसा कि कम्युनिस्ट, जैसे कि दहरिये, जैसे कि काफिरों की जिंदगियों में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक मुसलमान, लेकिन एक मोमिन, लेकिन एक मुतदय्यिन, लेकिन एक सालेह इंसान, लेकिन एक मुत्तकी इंसान, लेकिन एक परहेजगार इंसान, लेकिन वो इंसान की जो अल्लाह की फितरत पर, अल्लाह के दीन पर पैदा किया गया है, उसे यह पता होना चाहिए कि यह जिंदगी हमारे लिए आरजी जिंदगी है, यह मौका हमारे लिए मुख्तसर मौका है, चंद रोजा है, यह अमद, यह फुर्सत हमारे लिए चंद दिन अय्याम के लिए है। बल्कि हमारी असल जिंदगी क्या है? इस वादी से दूसरी वादी में मुंतकिल हो जाने के बाद, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाने के बाद, कि जिस दुनिया का वादा अल्लाह ने किया। ईज़ाने गिरामी, ईसाने सवाब की यह मजलिस है और शरफ की बात है कि जिसके लिए हम ये इसाले सवाब कर रहे हैं उनका जिक्र और तस्करा नजफे शरफ की पाको पाकीज़ा मुकद्दस सरजमीन पर हो रहा है। और ये हमारे लिए भी शरफ है कि हम चले जाने वालों के लिए जिक्र और तस्करे की महफिल या मजलिसों का इनेकाद किया करते हैं। इससे एक सबक और एक नसीहत ये मिलती है कि कल हमें भी इसी रास्ते से गुजरना है, कल हमारे लिए भी इसी तरीके से नशिस्तें की जाएंगी, कल हमारे लिए भी इसी तरीके से याद दहानियां की जाएंगी, कल हमारे लिए भी इसी तरीके से बयानात का इंतजाम किया जाएगा। लिहाजा इंसान को गफलत के हिजाबों से निकलकर तज़क्कुर के अबवाब में दाखिल होना चाहिए। ईज़ाने गिरामी, वो अपने आप को अक्ल व शऊर की मंजिलों में और वादियों में लेकर के आए ताकि उसे ये पता चले कि उसकी जिंदगी का मतलब और उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। ईसाले सवाब, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ईसाले सवाब की मजलिस, ईसाले सवाब का तस्किरा क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है कि हम किसी के लिए ईसाले सवाब करें? क्या दीन में, शरीयत में इसका हुक्म है कि ईसाले सवाब एक ऐसा अमल बन चुका है कि जिसे अमली तौर पर और इबादी तौर पर अब अंजाम दिया जाता है? अगरचे उलमा की महफिल और उलमा की बस में हम बैठे हुए हैं, इस मौजू में अगर तहकीक के साथ, तफ्तीश के साथ, तदकीक के साथ दाखिल हुआ जाए और तमाम आयात और तमाम रिवायात का मुतालिया किया जाए तो उससे पता चलता है कि किस कदर सख्त और संगीन है यह मसला कि वो इंसान की जो अपनी नमाजें पढ़ता है, वो इंसान की जो अपने रोजे रखता है, वो इंसान की जो अपने हज और अपने उम्रे और अपनी जिहाद और अपनी तमाम जिंदगी के खैर और शर को अंजाम देता है, अगर सिर्फ उससे बनफ्स नफीस उसकी जात से उनके इन आमाल को तलब किया जाए और उसको मीजान आमाल में रखा जाए और जजा और सजा के मौरिद में लाया जाए
तो कितनी शक्तियों का और कितनी संगीनियों का सामना उस मोमिन को बजाते खुद करना है जिससे ये आमाल साबित हो रहे हैं। नमाज मैं पढ़ूं अगर मुझे नमाज का जवाब देना है, रोजे मैं रखूं अगर मुझे रोजों का जवाब देना है, सदकात मैं करूं अगर सदकात का मुझे जवाब देना है खुदा के सामने, तो इनके कबूल और अदम कबूल का मतलब क्या होगा अल्लाह की बारगाह में। जो हम करते हैं, जिन पैसों से हज हमने किया, जिन पैसों से उमरा हमने किया, जिन पैसों से मुअस्सिसात हमने खुलवाए, अगर हमको इनका हिसाब देना पड़े तो किस कदर ये संगीन होगा कि अल्लाह की बारगाह में। अब एक इंसान दूसरा आपके लिए आकर के मजलिस कर रहा है, एक इंसान दूसरा आके आपके लिए नमाजें पढ़ रहा है नियाबत में, एक इंसान दूसरा आकर के आपके लिए अमल कर रहा है, तो इज़ाने गिरामी जब इंसान का बजाते खुद अपना अमल, इंसान की बजाते खुद अपनी इबादतें, इंसान की बजाते खुद अपनी कोशिशें, अपनी काविशें, अपनी मुनाजाते और अपने अमल जब इस मारज में है कि वो खुदा की बारगाह में अपने आप को पेश करे तो उसे चंदीन मुश्किलात का सामना है। तो अगर इंसान दूसरों के लिए अमल किए करे और दूसरे के लिए अमल किया जाए तो फिर उस अमल का क्या नतीजा होगा और उस अमल के लिए किन तवक्कोआत को और किन हुदूद तक की जा सकती है, किस हद दर्जा की जा सकती है कि ये अमल जो दूसरों के लिए अंजाम दिए जा रहे हैं ये एक उधार है कि जिन्हें अखलाकी तौर पर, जिन्हें इंसानी तौर पर, जिन्हें सकाफती तौर पर हम अंजाम देते हैं जाने के नामी, वो क्या है? एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इन मजालिस के जरिए से, इन कुरान खानियों के जरिए से, इन फातिहात के जरिए से, ये जो मोमिनीन के लिए हम इत्आम के लिए सुफरा बिछाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, इसके जरिए से सबसे पहला जो अमल इंसान अंजाम देता है वो क्या है? वो सिला रहम है, अपने अरहाम के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने अकरबा के लिए क्या करता है? सिला रहम करता है। सिला रहम की अदायगी का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन जरिया है कि इंसान अपने अजीजों को, अपने मर जाने वालों को याद करे और उनके लिए नशिस्तें करे, उनके लिए मजलिसें करे, उनके लिए फातिहात करे और उनके लिए उमूर को अंजाम दे। तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे अच्छा फायदा क्या है इन नशिस्तों का, इन मजलिसों का? सिला रहम अंजाम पा जाए। ऐसाने गिरामी जब मैयत को, जब जनाजे को रखा जाता है तो मोमिन जो अहद करता है उस जनाजे पर खड़ा होकर क्यों क्या करता है? अल्लाहुम्मा ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात, परवरदिगार आलम हमारे और इनके दरमियान नेकियों और खैरातों के तसलसल को कायम और बरकरार रखना, यह अहद वफा है ऐसाने गिरामी। एक मोमिन, एक मोमिन के लिए अगर मजलिस बरगुजार करता है, उसकी फातिहा खानी करता है, तो ये फातिहा खानी, ये मजलिस बरगुजारी सिला रहम और अहद वफा है एक मोमिन के लिए। वफाए अहद किया जाता है कि हमने जो वादा तुमसे किया है हम उस वादे को वफा कर रहे हैं, हम उस हक को अदा कर रहे हैं ताकि तुम्हारे और हमारे दरमियान नेकियों के और खैरात के तसलसल टूटने ना पाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, ऐसा निगरामी जैसा कि हमने इशारा किया कि क्या दीन में भी, शरीयत में भी इसकी कोई गुंजाइश है, इसके लिए कोई मजाल है? क्या कुरान से और सुन्नत से भी इस तरीके के अमाल साबित हैं कि ये मदरसे करना, फातिहा खानी करना और इस तरीके से जो है किसी की बख्शिश करना और करवाना यकीनन मौजूद है। अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम को हम देखें तो वहां पर ये मिलता है हमें, उनके फरामीन में चीजें मिलती हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी किसी मैयत के लिए कोई मोमिन किसी अमल को अंजाम देता है, नेक अमल को, सालेह अमल को अंजाम देता है, तो उस नेक अमल के जरिए से, उस सालेह अमल के जरिए से उस मैयत के लिए तौसिया कर दिया जाता है। हत्ता इन्नल मैयता फयुवस्सिउ अलैह, उस मैयत के ऊपर तौसिया कर दिया जाता है, जो मैयत जीक में है, तंगी में है, शिद्दत में है, सख्तियों के मरहले में है, उसके ऊपर इन नमाजों के जरिए से, सलात के जरिए से, जकात के जरिए से
और हज के जरिए से, सौम के जरिए से, सदका के जरिए से क्या कर दिया जाता है, तौसिया कर दिया जाता है, उसात कर दी जाती है। और उसके बाद में जब उस पर ये उसात कर दी जाती है तो उससे कहा जाता है हाजा बे अमले इब्ने का व अखी का व हुआ अखू का फिर दीन। ये जो तौसिया तुम्हारे ऊपर किया गया है, ये जो राहत तुम्हें बख्शी गई है, ये राहत, ये उसात तुम्हारे ऊपर इस जीक और तंगी से उस अमल के नतीजे में है कि जिसको तुम्हारे भाई ने या जिसको तुम्हारे बेटे ने, जो कि दीन में तुम्हारा दोस्त है या भाई है या हसब नसब में जो तुम्हारा बेटा या तुम्हारी औलाद है, उसने अंजाम दिया है हाजा बे अमले इब्ने का और अखी का फिदीन। ये उसके एवज और उसके बदले में है कि हमने तुम्हारे ऊपर तौसिया कर दिया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा ने गिरामी रिवायत मौजूद है मल्ला हसनुल फकी की ये रिवायत या खिसाले शेख सदूक की दूसरी रिवायतें, दीगर रिवायत, रिवायत बहुत सारी है कि जिनके अंदर मुतवातिर और मुसलसल अगर देखा जाए तो अमले सालेह के अंजाम देने का हुक्म दिया गया है अपनी मैयतों के लिए कि उनको याद करो खैर के जरिए से, बिर के जरिए से, नेकियों के जरिए से, और उनके लिए अमाल को अंजाम दो। और यही जाने ग्रामी इस्लाम का अपना एक इम्तियाज है, दीगर मजाहिब, दीगर फिरक और दीगर अदियान के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। असलन उनके यहां हयात बादल ममात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन इस्लाम में अगर इस तसव्वुर को रखा गया है तो ये इस्लाम का अपना एक इम्तिजाज है, इस्लाम का अपना एक इम्तियाज है, इस्लाम की अपनी एक खसूसियत और अपनी एक खूबी है कि उसने इंसान को जिंदगी के अलावा मौत के बाद भी इस सिलसिले से याद रखा, उसे फरामोश नहीं किया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ईसाले सवाब करने के तुरुक बहुत से हैं। ईसाले सवाब अगर इंसान करना चाहे तो किन तरीकों से करे, किन जरियों से करे, किन आमालो अफाल के जरिए से करे, क्योंकि अमले सालेह जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने तलब किया है मैयत के लिए कि उस मैयत के लिए अमले सालेह को अंजाम दिया जाए, और बाज रिवायात में मुतलक तौर पर कहा कि जो भी अमले सालेह मैयत के लिए अंजाम दिया जाए फयुसौ अलैह, तो उसके जरिए से उसके ऊपर उसात की जाती है जो भी अमले सालेह अंजाम दिया जाए। ऐजान गिरामी अमले सालेह किस तरीके से इंसान अंजाम दे, अमले सालेह क्या है, तो बाज अमले सालेहात तो फराइज है इंसान की जिंदगी में कि जिन्हें इंसान को अंजाम देना है। नमाज पढ़ी जाए मैयत की जानिब से, रोजे रखे जाए मैयत की जानिब से, हज किए जाए मैयत की जानिब से, उसके कर्ज और उसके दुयूर को अदा किया जाए मैयत की जानिब से, उसके वाजिब हुकूक को अदा किया जाए मैयत की जानिब से। किसी का मकरूज तो नहीं है, किसी का माल तो इसकी गर्दन पे नहीं है, किसी का हक तो इसके ऊपर बाकी नहीं है, इन तमाम वाजिब हुकूक को उसके जानिब से अदा किया जाए। और इजाने गिरामी जब इन वाजिब हुकूक को अदा कर लिया जाए तो उसके बाद में फिर अखलाकी हुकूक आते हैं, सकाफती हुकूक आते हैं, इस्लामी आदाब और इस्लामी सकाफत और इस्लामी कल्चर के मुताबिक जिसे इस्लाम ने मुसलमानों को और मोमिनीन को दिया है और अता किया है और उसकी तालीम और तरबियत की है, वो क्या है कि एक मोमिन की जानिब से इसाले सवाब का सबसे बेहतरीन जरिया और तरीका यह है कि किसी यतीम की तालीम और तरबियत और उसकी परवरिश के निजाम और उसके इंतजामात को संभाला जाए। एक इंसान जो समाज में, जो मुआशरे में यतीम है, उस यतीम की परवरिश और उस यतीम की किफालत की जिम्मेदारी एक मैयत के अहलो अयाल के जिम्मा हो जाए, यह एक बेहतरीन तरीका है इसाले सवाब का। क्योंकि अगर आज हम देखें तो हमारा जमाना, हमारा दौर, हमारी जिंदगियां, हम जिन उमूर और जिन अहवाल से गुजर रहे हैं वो इक्तसादी हुरूब के जमाने हैं, इक्तसादी जंगों के जमाने हैं, हमें इक्तसादियात की जंगों में लाके डाला गया है और आइंदा डाला जाएगा। और ये हालात सबके सामने वाजे हैं कि एक इक्तसादी जंग में किस तरीके से इंसान मुब्तला है आज के जमाने और दौर में। लिहाजा बेहतरीन तरीका, बेहतरीन वसीला जो एक ईसाले सवाब का एक मोमिन की जानिब से है वो क्या है कि एक यतीम की किफालत की जाए, एक यतीम की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली जाए, उसके पढ़ने की, उसके लिखने की, उसके पहनने ओढ़ने की,
ताकि समाज में माशरे में उसे वो हुकूक मिल सके कि जिन हुकूक को अल्लाह ने अपने दीन में एक यतीम के लिए करार दिया है, उन्हें वो हुकूक मिल सके कि जिन हुकूक की तरफ इस्लाम की तालीमात ने मुसलमानों को और मोमिनीन को अपनी किताबों में और अपने औलिया और अपने अतकिया और अपने साले बंदों की सीरत और सुन्नतों में वदियत किया है ऐसाने गिरामी, ताकि ये सकाफत इंसान को दीनी सकाफत तक पहुंचा दे। यतीम की परवरिश, किसी बेवा की जिम्मेदारी को ले लेना, एक ऐसी औरत एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले बस दो एक बातें हैं, मैं इंशाल्लाह ज्यादा हायर नहीं होऊंगा और ज्यादा समा खराशी भी आपके नहीं करूंगा, क्योंकि ये बातें यकीनन हो सकता है कहीं आपके लिए मुफीद हों, अगरचे आप उलमा और अफाजिल हैं और मेरे लिए शरफ है, मैं इसके पहले भी कह चुका हूं ये कोई तकल्लुफात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इसाले सवाब जो हम करते हैं तो ये बातें हम तो जानते हैं क्योंकि हमने 400-500 एक हजार की किताबें पढ़ी है सफात की, लेकिन एक मोमिन उसे नहीं पता है उसे किस तरीके से कई फयुदीन और दीन आले मोहम्मद, मोमिन किस तरीके से वो आले मोहम्मद के दीन पर चले, वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से संभाले। सिर्फ मजलिस कर लेना, नौहा पढ़ देना, जियारत पढ़ देना, ये तो दीन नहीं है, और इसको अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुतलक तौर पे तलब भी नहीं किया है कि सिर्फ आप आए फजाइल मना की पढ़ें उतर जाए चले जाए, नहीं, वो कैफियत जिक्र हो, वो उमूर बयान किए जाए, उन मसाइल को रखा जाए कि जिन मसाइल में इंसान की जिंदगी है, जिन मसाइल में इंसान को सुकून और चैन और इत्मीनान हासिल होता है, जिंदगियों को जिंदगियां जिन उमूर और मसाइल के जरिए से मिलती हैं उनके ऊपर इंसान काम कैसे करे, ताकि उनकी मतलब और मकसद जो हमारा है वो क्या है कि हम सवाब को पहुंचाना चाहते हैं एक मुर्दे को, एक मैयत को, एक उस इंसान को कि जिसके नामे अमल के दफातिर को बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया जाता है यकीनन, मर गया काम खत्म खलास, दफातिर बंद कर दिए गए जाइए, तो अब उस इंसान के लिए जब सवाब का काम हम कर रहे हैं अगर हुक्म के मुताबिक दीन के मुताबिक शरीयत के मुताबिक तो इन उमूर से इंसान को गुजरना जरूरी है। यतीम की परवरिश, बेवा की किफालत, बिलखुसूस इस जमाने में इस दौर में कि जब जमाना गुनाहों मासियत की आंधियों से आलूदा है, जाने गिरामी इस आलूदा जमाने और दौर में कि जब कभी किसी बेवा के साथ रहम किया जाता है, अतूफत की जाती है, उसके साथ मुदारात के मराहिल को तय किया जाता है, तो उसकी इर्ज़ो इफ़्फ़त का सौदा किया जाता है, एक बेवा की इज्जत कैसे महफूज रहे, उसकी इफ़्फ़त कैसे बाकी रहे, उसकी इर्ज़ कैसे बरकरार रहे, ऐज़ाने गिरामी इसका बेहतरीन तरीका यह होगा कि मोमिन एक बेवा की अपने समाज और माशरे में किफालत को बर्दाश्त करे, ताकि उसे वो मकाम मिल सके कि जो मकाम इस्लाम ने हुर्रियत के साथ उसे अता किया है कि वो अपनी पाक दामनी, अपनी इफ्फत और अपनी इज्जत और अपनी इज्जत को संभाले और दुनिया में उस तरीके से जिंदगी गुजार सके जिस तरीके से जिंदगी गुजारने का हक है। ये दूसरा मरहला है। तीसरा मरहला फुकरा, मसाकीन, नादार, हाजतमंद, जरूरतमंद, जरूरत तलब लोगों की कुमको इमदाद करना है। इसाने गिरामी जरूरतमंद कौन है, हाजत तलब कौन है कि उनकी इमदाद हम करें, फकीर कौन है, मिस्कीन कौन है कि उनकी हम मदद करें, उनकी हम इमदाद करें। अच्छा, इसमें भी मराहिल को देखा जाएगा, मरातिब को देखा जाएगा। सबसे पहले इंसान अपने घर में देखे, अपने खानदान में देखे, अपनी कौम में देखे, अपने समाज और अपने माशरे में देखे, तब फिर इंसान ईरान में आए, फिर इराक में आए, फिर सीरिया में जाए, फिर जो है अमरीका में जाए, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाए। होता यह है कि एक मिस्कीन का हक हम पाकिस्तान से सीधा डायरेक्ट ईरान पहुंचा देते हैं उठा के। अरे ये क्या तरीका है भाई? एक जरूरतमंद, एक हाजतमंद, एक मिस्कीन, एक गरीब, एक फकीर जो अपनी इज्जतों का सौदा करता फिर रहा है, हम उसके हक को डायरेक्ट ईरान पहुंचा देते हैं। तो दीन में तो इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है, दीन में तो इसका मुतालबा कहीं आपसे नहीं किया गया कि आप अपने माल को, अपने अमवाल को या जो भी चीज है, क्योंकि मोमिन अगर रिवायात का मुतालिया करते तो क्या है, मोमिन जो खा ले, जो पी ले, जो पहन ले वो उसका है, और उसके बाद जो कुछ बच जाए वो जो है खल्क खुदा का है, वो उन मुस्तहकीन का है
कि जिनके हिस्से को जिनके हुकूक को उसके हिस्से और हुकूक में अल्लाह ने करार दिया है। तो इजाने गिरामी, किसी सरजमीन पर, किसी बिलाद पर और किसी बिलाद इस्लामी पर पहुंचाने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे बिलाद इस्लामी में या हमारे बिलाद कुफर में कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई नंगा तो नहीं है, कोई इल्म से जो बेवहरा तो नहीं है। हम उसे तो देखें कि एक इंसान है, रोडों पर गिलासे धुलता फिर रहा है, इनके उनके घरों की गंदगियां उठाता फिर रहा है। हो सकता है अल्लाह ने उसे अकले सलीम अता फरमाई है, अगर उसके पढ़ने की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया जाए, उसके दीन की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया जाए, उसकी सकाफत और उसके आइन को अगर देखते हुए उसकी खिदमत की जाए, तो हो सकता है वो समाज का, मुआशरे का एक अच्छा इंसान बन के और दूसरे लोगों के लिए खिदमत गुजार बन सके आइंदा। लिहाजा फुकरा, मसाकीन, नादार, हाजतमंद, हाजत तलब लोगों की भी किफालत को एक मैयत की जानिब से बर्दाश्त करना चाहिए। इंसान को कफील होना चाहिए कि अगर वो अपनी मैयत की तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो वो इस तरीके के काम करें। और उसमें सबसे पहले तकद्दुमे मरातिब का ख्याल रखते हुए ये देखा जाए कि मेरे घर में, मेरी खानदान में, मेरी कौम में, मेरी मिल्लत में, मेरी नस्ल में, मेरे समाज मुआशरे में कौन वो लोग हैं कि जिन लोगों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारी इमदाद के तालिब सबसे ज्यादा कौन लोग हैं जाने के बारे में। यह तीसरा मसला था। चौथा मसला इब्ने सबील, अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर, राह खुदा के चलने वाले, राह खुदा में चलने वाले लोग। अगरचे उलमा और फाजिल के अफकार और उनके अंजार से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, मैं करना भी नहीं चाहता हूं, मैं तफासिल और इनकी तहकीकात और तहकीकात में भी नहीं जाना सब चाहता, लेकिन अभी अपनी बात के और मौजू के मुताबिक एक बात यह कहना चाहूंगा कि इब्ने सबील, मैं जाते खुद सैयद सलमान हैदर रिजवी की बात कर रहा हूं, मेरे नजदीक इब्ने सबील इस वक्त इब्ने सबील का सबसे बेहतरीन मिज़दाक एक तालिबे इल्म है, अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर एक तालिबे इल्म है। एक तालिबे इल्म की किफालत करना चाहिए। ऐज़ाने गिरामी, अगर कुतुब का मुतालिया किया जाए और किताबों को पढ़ा जाए तो आप देखिए कि कितने फजाइल, कितने मनाकिब, कितने सवाब और कितने अजर रखे गए हैं। सबईना सबईना हज्जतन मकबूलतन, सबईना सबईना उमरतन मकबूलतन, सबईना सबईना, मतलब किस तरीके से एक सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले गिरामी। इब्ने सबील की किफालत, एक तालिबे इल्म की किफालत। आज सोशल मीडिया और आज जो हमारा जमाना है, जो हम ग्लैमर दुनिया में, ग्लैमर लाइफ में, जो जिंदगी हमारी, जो लाइफ है, जिंदगियां हैं उसमें जो हम जी रहे हैं, ये आज का जो दौर और जमाना है हमारा। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, उसमें एक इंसान अपने बच्चे को नेक कैसे बना सकता है, साले कैसे बना सकता है। इंटरनेट पर आग लगी हुई है, कुरान का सफा भी आप खोलिए तो उसमें भी नंगी तस्वीरें आती हैं। ठीक है, काल इमाम जाफर सादिक, काल इमाम बाकिर की अगर कोई भी किताब आप पीडीएफ पर आप खोलिए, कोई भी फाइल आप ओपन करते हैं, क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, उस पर आपके पहले कम से कम 15 सेकंड, 14 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, मतलब ये जो मतलब हैकिंग है आपके इख्तियार को, आपके पावर को जो हैक कर लिया गया है कि आपका अपना इख्तियार आपके हाथ में अब नहीं है कि 15 सेकंड तक या तो आप इंतजार कीजिए, मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, 15 सेकंड के बाद कुरान पढ़िएगा। ये जो जमाना, जो सोशल मीडिया का जो आज दौर है, जमाना है, जिन मरहलों से हम गुजर रहे हैं कि आज कुरान अगर हम मोबाइल पर पढ़ना चाहें, मोबाइल पर लिखना चाहें, मोबाइल से कोई नेकी करना चाहें, मोबाइल से मुतालिया स्टडी करना चाहें, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करना चाहें, मोबाइल पर खरीदो फरोख्त करना चाहें, मुबाह गैर मुबाह, हलाल हराम, जायज नाजायज, जितनी भी चीजें मोबाइल पर हम करना चाहते हैं, ऐज़ाने गिरामी, उस पर हम जब अपने बच्चे की, अपने आल औलाद की, अपनी कौम की, अपनी नस्ल की जब तरबियत चाहते हैं तो उनको कैसे हम एक सकाफत का रंग दे सकते हैं इस जमाने में। ऐज़ाने गिरामी, उसका मुख्तसर सा जवाब यही है कि उसकी जिम्मेदारी उलमा के ऊपर है, उनके कफील उलमा होंगे। जमीन पर अगर इल्म खत्म हो जाए, जमीन से अगर उलमा खत्म हो जाए, जमीन से अगर शराफतें खत्म हो जाए तो फिर ऐज़ाने गिरामी फिर वही है कि कल मैयत है इंसान, फिर जमीन पर चलता फिरता लाशों की तरह है, मरा हुआ है इंसान,
जिंदा रहकर के भी इंसान मरा हुआ है, तो इब्ने सबील की किफालत, जो जिसका फुकदान आज के जमाने में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने जिक्र किया आपके सामने कि इक्तिसादी खुरूद के दौर से हम गुजर रहे हैं। एक तालिबे इल्म जिसके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को सकन नहीं है, अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, बाप की खिदमत और उसके इलाज करने के लिए उसके पास मालो अमवाल नहीं है, जाहिर सी बात है वो क्या कुरान पढ़ेगा, जाहिर सी बात है वो क्या आले मोहम्मद का दीन सीखेगा, नहीं सीख सकता है, क्योंकि उसको जहनी तौर पर तो पहले ही से डाइवर्ट हो चुका है, उसे घुमा दिया गया, मोड़ दिया गया कि तुम हटो, ये सब बेकार चीजें, चलो गिलास धुलो, चलो तुमको जो है साइबर कैफे में बैठा देते हैं, चलो तुम्हें जो है सकीनों मकीनों में बैठा देते हैं, ये सारी चीजें। तो जाहिर सी बात है जब अहले इल्म इस जमीन पर खत्म हो जाएंगे, जब उनका फुकदान होगा, तो इजाने गिरामी फिर शराफतें इस जमीन से उठा ली जाएंगी, फिर नेकियां इस जमीन से उठा ली जाएंगी, फिर खैरात इस जमीनों से उठा ली जाएंगी, इजाने गिरामी फिर ये जितने भी मुदारात हैं, जितने भी मुलातिफात हैं, जितने भी दीन के अहकाम और अरकान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जानिब से मतलूब है एक इंसान से, एक मोमिन और मुसलमान से, उन तमाम चीजों का फुकदान हो जाएगा। लिहाजा इब्ने सबील जरूरी है कि एक मैयत की जानिब से एक ऐसे तालबे इल्म की किफालत की जाए जो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए आता है या आना चाहता है, ताकि खुदा के दीन को, उसकी सुन्नतों को उसकी जमीन पर जिंदा किया जाए, अल्लाह की जमीन को जिंदा किया जाए उसके दीन के जरिए से, उसके आइन के जरिए से, उसकी मिल्लत के जरिए से, उसकी शरीयत के जरिए से। मगर इजाने गिरामी कैसे होगा, एक तालबे इल्म एक इब्ने सबील अल्लाह के रास्ते में मां को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, बहन को छोड़कर, बीबी को छोड़कर, पूरी लज्जतों को, दुनिया की लज्जतों को लात मार के एक इंसान आता है ताकि वो दीन सीख सके। यतअल्लमो अन दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन से कुछ वो हासिल कर सके, कुछ सीख सके। तो ये कैसे सीखेगा, ये हमारी किफालत के जरिए से सीखेगा, ये हमारी इमदाद के जरिए से सीखेगा, ये हमारी कुमक और मदद के जरिए से, हमारी मुसाइदत के जरिए से, हमारी दस्तगीरी के जरिए से सीखेगा। हम दस्तगीर हो जाएं एक ऐसे इंसान के लिए कि जो किसी रास्ते पर तो चलने के लिए निकला मगर वो संभल नहीं पा रहा है, तो हम दस्तगीर हो जाएं, उसके हाथ को पकड़ ले और उसे संभाल ले जाने के नाम। ये चौथी चीज थी, और पांचवी चीज, और उसके बाद यही आखिरी चीज होगी, और एक से दो मिनट का मसाइद भी हम पढ़ेंगे जो कि हमारी मजालिस का माल हुआ करता है आमतौर पे, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी समाखराशी और जहमात को मैं खत्म कर दूंगा। पांचवी चीज ऐसे इदारों का कयाम है कि जिन इदारों से अल्लाह के दीन की खिदमत की जा सके, जिन इदारों से आले मोहम्मद के दीन की खिदमत की जा सके। आज आप देखिए वो बरमला खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया के ऊपर मिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन पैसे खर्च कर रहा है, और क्या कर रहा है, कौमों को तस्खीर कर रहा है। वो सोशल मीडिया का जमाना है, आज किताबें पढ़ने का टाइम किसके पास है, किताबें पढ़ने का टाइम अगर होता तो नजफ में किताबें जो है नालों के किनारे थोड़ी रखी जाती, नालों के किनारे किताबें पड़ी हुई है, भाई कौन किताबें पढ़ रहा है। ये सच्चाई है, ये दर्द दिल भी है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता। आप जाके देखें क्या किताबों में ईंटे और पत्थर भरे गए हैं, न जाने कैसे हीरे, न जाने कैसे नगीने, न जाने कैसी कीमती बातें उनके अंदर होंगी, उनके लिए पैसे खर्च किए गए हैं, उनके लिए उम्रें खपाई गई हैं, उनके लिए अपना खूने जिगर पिलाता है इंसान, मगर उन्हें आप देखिए कि जमीनों पर नालों के दरमियान छींक दिया गया है। तो किताबों की क्या अहमियत है, अहमियत सोशल मीडिया की है। पांच मिनट का वीडियो क्लिप बना करके डाल दिया जाता है महदबियत पर, इंसान खुल्लम खुल्ला खुले सांड की तरह बैठा हुआ कुछ भी बोल रहा है, इमामत पर बोल रहा है, इमाम अली पर बोल रहा है, अहले बैत पर बोल रहा है, दीने खुदा पर बोल रहा है, शिर्क 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 कर रहा है, कुफ्र 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 कर रहा है। ऐज़ाने गिरामी ये कैसे होगा, ये उन इदारों के कयाम से होगा कि जिन इदारों में अल्लाह के दीन को अहया किया जाएगा, आले मोहम्मद के उलूम को, उनके दीन को अहया किया जाएगा। इसी वजह से फरमाया रहमल्लाहु अलैया अमरना, तो अमरना किस तरीके से, उनका अहया किस तरीके से है, अहया अम्र क्या है, मासूमीन से पूछा गया, फरमाया अय्यत अल्लम उलूमना व युअल्लिमुहुन नास, सीखो और सीख करके उसे पहुंचाओ, इसके पहले कि ये दहरिये और उसके पहले कि ये कुफार तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे अहदास के अजहान को कैप्चर कर ले, काबू में कर ले, उन पर अपना कंट्रोल और कब्जा कर ले। तो उनका कयाम कैसे होगा, इन इदारों के कयाम के जरिए से होगा। दीनी इदारे, कुरानी सेंटर,
ऐसे सेंटर्स की जिसमें तफासीर, जिसमें अकायद, जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के अखलाकियात को पढ़ाया जाए, उनको नशर किया जाए, उनका अहया किया जाए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इसके जरिए से भी जब हम किसी दीनी इदारे का कयाम करते हैं, और इसका भी मकसद सिर्फ जो है दीनी इदारे के कयाम का मकसद सिर्फ जो है नहीं कि हमने पैसा खर्चा कर दिया तो खत्म हो गया, नहीं, बहुत सारे मसाइल हल होते हैं, उससे न जाने कितनी लोगों की जिंदगियां वाबस्ता हो जाती है। मुमकिन है आपने एक अदारा कायम किया, उस अदारे को कायम करने के बाद आपने चार आलिम को उसमें सर्विस और नौकरी दे दिया, उससे चार आलिम की जिंदगी की भी हालत आप कर रहे हैं, जो सड़क पर मारा मारा फिर रहा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बच्चे के इलाज के लिए उसके पास कुछ नहीं है, बीबी की देखरेख के लिए उसके पास कुछ नहीं है, माँ बाप की खिदमत के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ दीनी इदारों के कयाम, दीनी सेंटर्स को खोल देना और उसके लिए पैसों को खर्च करना, उनके लिए अमलाक और मिल्कियतों का इसराफ, सिर्फ ये नहीं है कि एक घर बना दिया, एक बिना बना दिया और उसको छोड़ दिया, नहीं, उससे दीगर इफादात भी वाबस्ता और मुंसलिक है। इफादतुल नास, लोगों को फायदा पहुंच रहा है बेहतरीन सूरत और तरीके में, जाने के नामे। लिहाजा एक मैयत के लिए ईसाल सवाब का बेहतरीन जरिया और तरीका क्या है कि हम ऐसे इदारों का कयाम करें कि जिसमें अपने बच्चों और अपने जवानों और अपनी नस्ल के आमादा लोगों की परवरिश कर सके और उनको परवान चढ़ा सके। तो ये मरातिब है जाने गिरामी कि जिन मरातिब से इंसान मैयत को मुख्तसर नहीं बहुत फायदे पहुंचा सकता है, मैयत को अजर व सवाब इसके जरिए से निहायत हद दर्जा इंसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये वो उमूर है कि जिन उमूर से इंसान जिंदगियों को आबाद करता है। बहुत सारी चीजें हैं पैगंबर के मुतालिक, सलामुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक बातें थी कि वाज़ो नसीहत और ये सारी चीजें, ताकि ये गिरा ना हो बातें कि जो भी बैठा मिंबर पर फिर वो वाज़ो नसीहत में लग गया, अगरचे वाज़ो नसीहत उलमा नहीं करेंगे, आकिल नहीं करेंगे, उरफा नहीं करेंगे, हुक्मा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा, रवाना ढकेलने वाला तो कर नहीं सकता, लिहाजा गिरा बार ना हो ये बातें। और हमने इसलिए इस बातों को कह दिया कि उलमा की बस में अब बाकी रिवायत कुरान आयत तफासीर सब आप लोगों की पेश नजर है, ये बातें जरूरी समझा, लिहाजा हमने कहा कि इन बातों के ऊपर भी गुफ्तगू करना चाहिए जाने के नाम। तो अपनी गुफ्तगू और बातों को छोड़ रहा हूं और खत्म कर रहा हूं। तो इसाले सवाब के बेहतरीन तुरुक और जराए ये है कि इंसान अपने अमवाल, अगर ना आप देखें आपके पेशे नजर नहजुल बलागा की वो रिवायात या अलकाफी की रिवायात या दीगर कुतुब की वो रिवायात है कि अब जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है मोमिन के लिए क्या कहा है, आज़मो हसरतन यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा हसरत वाला इंसान कौन है, वही होगा कि जिनके अमवाल को नाजायज चीजों में, हराम चीजों में, फितने फसाद की चीजों में सर्फ और खर्च कर दिया जाए। अगर उनके पास कोई मिल्कियत है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, उनके पास अगर अमलाक है, उनको खर्च किया जा सकता है, तो फिर उनको इज़ाने गिरामी इन उमूर में सर्फ और खर्च किया जाए, ताकि उसके जरिए से, यही है मन जो किसी एक इंसान को जिंदा करे, ठीक है, किसी एक मोमिन को जिंदगी बख्शे, फकत अहिया नास जमिया वाली सूरत हाल है कि फिर वो तमाम इंसानियत को जिंदगी देता है। हाँ, एक मोमिन और एक मुसलमान जो मर जाता है, जो इस दुनिया से चला जाता है, वो गरीब हो जाता है। मुख्तसर एक दो कलमे मसाइब के लिए पढ़ूंगा ताकि महाले मजालिस हासिल हो जाए और आपकी सहमतों को भी तमाम करूंगा। मर जाने वाला इंसान यकीनन बेबस है, बेकस है, लाचार है, गरीब है, और चूंकि वो गरीब है लिहाजा उसको हम याद करते हैं, उसकी गुर्बत को याद करते हैं। और इस आने के नाम ये कहना चाहूंगा कि जब इंसान, जब मोमिन किसी गरीब को याद करे और किसी गरीब का तस्किरा करे, तो उसके लिए सजावार तर, मुनासिब तर और लायक ये है कि वो एक ऐसे गरीब को भी याद करे कि जिसे गरीबुल वतन, गरीबुल गरबा कहा जाता है, एक ऐसा गरीब कि जिसने अपने वतन को छोड़ा, जिसने अपने अहलो आयाल को छोड़ा, जिसने अपने नाना के मदीने को छोड़ा। अजीजाने गिरामी, एक गरीब कि जो मां का गरीब है, गरीबुल उम है, उस गरीब का तस्किरा भी इंसान को करना चाहिए। और इस गुर्बत को अगर हम देखना चाहें
और मुलाहिजा करना चाहें तो अरबाबे मकातिल ने यह लिखा है कि हुसैन की गुर्बत का आलम यह था कि आशूर के दिन जमीने करबला पर हुसैन का जिस्मे नाजनीन इस तरीके से उड़िया पड़ा हुआ था कि उस पर कोई चादर डालने वाला नहीं था, उस पर कोई लिबास डालने वाला नहीं था। करबला की खाकों ने अपने आप से हुसैन के जिस्म को ढाका। करबला की धूल, करबला की तुराब, करबला की मिट्टियों ने कहा कि ऐ मौला, अगर तेरे जिस्म पर कोई चादर डालने वाला नहीं है तो हम तेरे जिस्म को उड़िया न रहने देंगे। अज़रकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम कर वो भला के। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, क्या मुसीबतें टूट पड़ी हैं अबा अब्दुल्लाह हुसैन पर। कैसी बेकसी है, कैसी लाचारी है, कैसी मजलूमियत है हुसैन की। तारीख में लिखा है कि हुसैन की इस गुर्बत पर खैमे हुसैनी में हुसैन के बीबी, हुसैन के बच्चे, हुसैन के अहलो आयाल इस तरीके से नालों फुगा कर रहे हैं, इस तरीके से गिरियों शोर में मसरूफ है कि खलाइक़ तो समा लर्जा बरंदाम है। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, ये गिरिया क्यों ना हो, हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़मीने करबला पर कत्ल किया गया है। तारीख का एक छोटा सा इशारा पढ़ूंगा, उसके बाद आपकी ज़हमत को तमाम कर दूंगा। अरबाब मकातिल ने लिखा है कि अज़ीज़ाने गिरामी, जब हुसैन मक्तले करबला में शहीद कर दिए गए तो हुसैन की शहादत के बाद हमने ये देखा इस काफिले को हुसैन के जनाजे से और लाशे से गुजारा जा रहा था। इतने में हमने क्या देखा कि जब यह काफिला हुसैन के जनाजे से गुजारा गया तो कुछ बीबियां जो अमारियों पर बैठी हुई थी उन्होंने बेसाख्ता अपने आप को अमारियों से लाशे हुसैन पर गिरा दिया। मैंने एक बीबी की तरफ देखा जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकदार था। मैंने उसे देखा कि उसने अपने आप को लाशे हुसैन पर गिराया और एक मरतबा अपने हाथ को आसमान की जानिब बुलंद करके कहा, या मोहम्मद हो या जद्दा हो सल्ला अलैक मलाइका तुस्समा वहाजा हुसैन मुरम्मल बिद्दमा व मुकद्दर अलआज़ा व बनातुका सवाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।